जनपद इटावा में होने वाली लोधी समाज की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता बाबूराम वर्मा ने महारानी अवंती बाई पर पुष्पमाला चढ़ाकर सभा का आरंभ किया। रामदास उत्सव गार्डन लुहना चौराहा के पास इटावा पर लोधी समाज की बैठक को सफल करने के लिए गांव गांव के लोगों ने जाकर लाचार व पीड़ित लोधी समाज को एकजुट करके समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया और एकजुट होकर लोधी समाज ने उत्पीड़न रोकने का संकल्प लिया। लोधी समाज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। जिस तरीके से आज लोधी समाज उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, लोधी समाज को किसी न किसी बहाने से षड्यंत्र रचकर फंसाया जा रहा है। श्री लोधी जगदीश राजपूत लोधी समाज को लेकर बड़ा फैसला लिया, जो गरीबों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर एक हर संभव न्याय दिलाने का फैसला लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए भाई लोधी ब्रजेश राजपूत, सतीश राजपूत, शिवप्रताप राजपूत, जबर सिंह लोधी, उमेश राजपूत, रोहित राजपूत, रजत राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, देवेश लोधी, हकीम सिंह, डॉक्टर ब्रजेश राजपूत आदि सैकड़ों की संख्या में लोधी समाज के लोग उपस्थित थे। हमारे एक घटना ही नहीं, एक रमेश पठानी जी की प्रताप ने की घटना है, नवादा की है, नवादा की घटना है, जावली की है, जावली घटना है, की है, सरैया की है। लगातार इस सरकार में जो हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है, हम लोगों ने विशेषकर उसके विरोध स्वरूप ये बैठक का आयोजन किया गया है। इस पर यहाँ पर बैठ के हम लोग रणनीति बनाएंगे। अभी इसका क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, इसकी हम लोग रणनीति बनाएंगे। कैसे प्रशासन से अपनी बात कहने का, कैसे नेताओं से अपनी बात पहुंचाने का, इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। संदेश तो सीधा सीधा है, सरकार को देखना चाहिए। जिस सरकार में देखिए, हम जब अपेक्षाएं वहां पर होती हैं जहां पर हमने कुछ दिया हो, इस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अपना 90% यहां पर वोट दिया है पूरे प्रदेश में, तो समाज की अपेक्षाएं उस पार्टी से, उस पार्टी में इनकी अपेक्षाओं को देखना चाहिए। उसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, उसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए। संवाददाता राम कुमार राठौर, उत्तर प्रदेश, आपका न्यूज़।